हेलो टू ऑल ऑफ यू, की हाल चाल है थोड़े सारे का। थोड़ा स्वागत है अपने चैनल पर वी आर नॉलेज। तो तुहानू जिवें पता अपने जिहड़े चैनल के उत्ते की है पंजाबी दीआं गल्लां दे विच आपां पीटी दे रिगार्डिंग बहुत कुछ पाया हुआ है, प्लस नाल आयल्स दे मटीरियल भी है, नाल स्पोकन इंग्लिश दा मटीरियल भी हैगा। तो जिहड़े बच्चे अपने कोल पीटी कर रहे ने तो उन्होंने कुछ होर नॉलेज चाहिए है, तो अज्ज की वीडियो के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जोड़े कमेंट आए थे, जिमें कि मेन्स अपना होंगे कि पीटी कर ली, आयल्स कर ली, यार कर ली, उस तो बाद दे विच की है सिस्टम। तो उन्होंने वास्ते है ज़्यादातर मेन ये कि अगर तुम पीटी कर ली तो स्कोर आ गए, चाहे थोड़े या वादा है, तो उस तो बाद आप नैक्सट ऑप्शन की अपने लिए, ठीक है। तो नैक्सट ऑप्शन के आप कह रहे हैं कि जिमें कई बच्चे की है यूके जाना चाहते हैं, या फिर कई बच्चे कहते हैं कैनेडा अप्लाई करना, कैनेडा हो जूगा ये कि नहीं होगा, तो वो मेन बहुत ज़्यादा की है चर्चा का विषय है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को बच्चे 5-6 साल तो जोड़े पीटी करके बाहर जा रहे हैं, उन्होंने 90% बच्चे होंगे जो कैनेडा जाना चाहते हैं, है ना। 10% न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो यूके वास्ते होंगे ने। अगर 10% जोड़े इन्ने चांसिस ने वो सारे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहला मोस्ट प्रॉबली की है पीटी बनया ही कहदे वास्ते है, ऑस्ट्रेलिया वास्ते, न्यूजीलैंड वास्ते। उस तो बाद यूके भी की अप्लाई हो रहा है, यूके VIPT तो या एकेडेमिक दोनों चल रही ने। उस तो बाद जी फोर्थ ऑप्शन अपने को बहुत ही वधिया, वो कि है कैनेडा, जिथे बच्चे अप्लाई करते हैं। अच्छा, जो एग्जैक्ट जी रेशो हैगी है कि 80 तो लैके 20% जिहड़े कहिंदे वी 100% वीज़ा आ जाऊगा, 100 तक किसी पासे भी नहीं, पर 80 तो लैके 20% चांसिस होंगे ने। ये भी की है आप आपदे वालों श्योरिटी लैके जानी, अगर अपने 60 तो प्लस स्कोर ने तो हाँ कि अपना पक्का ही वीज़ा आ सकता है। हाँ, पर कई दे आप देखा होगा कई दे 51, 53, 55, 56 से भी वीज़ा आ जाता है, ठीक है। उन्होंने किस्मत आप कह लें भी कई आ गया, पर कई जो मोस्ट प्रॉबली देखे जाते हैं तो उन्होंने अगर ये वीज़ा नहीं आता। तो पर आप अगर देखे जाए गुड साइड देखिए, तो अगर थोड़े 60 तो प्लस ने तो तुम की वीज़ा लै सकते हो कैनेडा वास्ते, कैनेडा वास्ते कह रहा मैं, कैनेडा अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम करना यूके के लिए 55 तो उपर हो भी अप्लाई हो जाता 55, 55 के उत्ते, पर घट ना हो, जोड़े ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा वधिया गल है। उस तो बाद अपने को न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी अप्लाई हो जाऊगा, वो 50 तो अबव 51 तो उत्ते हो जाता है, आपां कुछ ना कुछ कॉलेजेस वगैरह लभ जाते हैं। तो कैनेडा वास्ते याद रखो, अगर तुम्हें वधिया कॉलेज चाहिए, कुछ पब्लिक कॉलेज चाहिए, या फिर समझ लो वीज़ा आपां चांसिस आपदे वालों वधिया चाहिए ने, दैन गो विद 60 प्लस कोर्स। तो 60 प्लस कोर्स तो ट्राई करो कि वो तो वह आ जाने, अपने ओवरऑल 60 अबव ही हो। मैं तो आपके वही कहूँगा कि 58 तो उत्ते सारे ही मोड्यूल्स हो, अपना कि वीजे चांसिस इनक्रीज़ हो जाएंगे। तो बाकी जो चांसिस होंगे ने कि 80-20 वाले, है ना, 80% आ सकता, 20% चांसिस होंगे कि नहीं, हाँ वो आप कुछ नहीं कह सकते, वो बाकी सारा एम्बेसी के उत्ते है। पर हाँ मैं भी कहना मेरे रैलेटिवस के कई जने बाहर गए हुए हैं, तो वो पीटी करके गए हैं, वधिया वीज़े आए उन्हां दे। मेरे स्टूडेंट्स गए हैं तो उन्होंने भी वधिया वीज़े आए हुए हैं, तो जोड़े लोग मैंने जानते भी नहीं सके, है ना, उन्होंने मैंने मैसेज करके कहा पीटी तुहाडी वीडियोज़ देखी ने यूट्यूब तो, असी अप्लाई किया, साडा वीज़ा आ चुका है। तो वो भी की है सारे ही कह रहे हैं कि वीज़ा आ जाता है, पर हाँ चांसिस इन्ने ही रहेंगे। तो सिंपल जी गल है, दुविधा में नहीं पैना, चांसिस तो आयल्स भी सुनया हो, कई 7-7, 8-8 बैंड भी होंगे ने, कई बार उन्हों के वीज़े भी नहीं आते। तुम्हें की करना है पीटी करो, 60 प्लस स्कोर कर दो जिमें मर्जी करके, दैन अप्लाई करो गो फॉर कैनेडा। तो अगर हो सकता तो बहुत वधिया गल है, ट्राई तो करके देखो एक बार ट्राई करो। अगर यूके करना है 55 प्लस करो, वधिया गल है। मैं तो सारी बल्कि तुम्हें रिस्क के विच नहीं रख रहा, तां करके स्कोर वधिया वधिया दस रहे हैं। हाँ सुनिया होगा तुम्हें इंस्टाग्राम के उत्ते या किसी ने फोन पर दस्या होगा तुम्हें कि वो 51 तो आ गया, है ना, वीज़ा आ गया, वो सारा कुछ तो होंगे ही है, पर रेयर चांसिज ने। उन्होंने पूछा हो बी 51 तो तुम एक ले लिया वीज़ा, दो ले लिया, 10 ले लिया, जेडे तुम 100 लुकाए होगी उन्होंने की करेंगे आपको तो की गुड साइड ही दिखाई है उन्होंने। तो मैं गुड साइड के इमेज वधिया वधिया इमेजेस दिखा रहा तुम्हें कि भी हाँ भी 95% की है वधिया वधिया चीज़ा जड़िया ने, उन्होंने आह प्रोबेबिलिटी है कि 60 तो प्लस अगर स्कोर होंगे ने तो वीज़े चांसिस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी है ही 51, 49, 48, 44, उन्होंने तो मैं कह ही नहीं रहा कि भी है ना वीज़ा आऊगा कि वो, हाँ फिर भी उन्होंने निकल के आ जाए, वो परमात्मा की किस्मत है। पर तुम्हें की करना 60 तो प्लस तो एम लैके चलना, 65, 60 प्लस कि आप इन्ने स्कोर लेने ही लेने हैं। तो अगर हम जिमें कुछ इन्होंने पूछा हुआ कि भी यूके जाके पीटी करके जा सकते हैं कि नहीं, हाँ जी तुम करो पीटी, स्कोर वधिया लो, जा सकते हैं आप। सर पीटी करके कैनेडा जा सकते हैं, इन्होंने पूछा किसी ने, सरबजीत ने, हाँ जी जा सकते हैं। तो नैक्सट अपने को कमेंट आया कि गगनदीप का, पीटी करके यूके एक्सैप्ट करती है जे गैप है तो। अच्छा हूँ देखो कई गैप होंगे,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੈਪ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ GTE ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60+ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਵ 55 ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਕੋਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, PR ਲਓ, ਅਗਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਵਧੀਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ID ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਗੋ ਫੋਰ UK। UK ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, PR ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਸੈਪਟ ਹੈ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ, ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।